हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था कि आखिर हीट क्या होता है, क्या होता है हीट का अमाउंट। हम लोगों ने पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें, अगर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक गीजर हो, या फिर एक इलेक्ट्रिक हीटर हो, या फिर एक हो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, हीट का यूज करते हैं। दे प्रोड्यूसेस हीट एंड ऑल ऑफ दीज अप्लायंसेस आर बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग। ठीक है, जितने भी ये अप्लायंसेस होते हैं, सारे के सारे किस पर बेस्ड होते हैं? जूल्स हीटिंग पर। मतलब ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग एक बल्ब की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर ना एक फिलामेंट होता है। ठीक है, फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर, और वो फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। ठीक है, टंगस्टन से बना होता है। इसका अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब क्या सोचिए, मेल्टिंग इतना हाई टेम्परेचर पर जाकर ये मेल्ट होता है, तभी तो हम लोगों को क्या बल्ब अंदर क्या ग्लो करता है। ठीक है, उसका फिलामेंट हीट होता है, हीट होने के बाद वो लाइट प्रोड्यूस होता है। मतलब एक और पॉइंट समझ में आ गया कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूसेस लाइट। ठीक है, वो लाइट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर केस में। ठीक है, तो हम लोग बल्ब की बात कर रहे हैं। बल्ब क्या होता है? उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, और वो ये जो टंगस्टन होता है, ये हीट होना स्टार्ट होता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर बढ़ाकर क्या है, ग्लो करने लगता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक हीटर का भी सेम थ्योरी है। ठीक है, वो भी हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस होने के बाद फिर लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो बल्ब होता है, ठीक है, अब सोचो कि जो बल्ब जब ग्लो करता है तो अंदर में जलता क्यों नहीं है? ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ भी चीज़ जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, और वहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, वहाँ पर क्या इनएक्टिव गैसेस नाइट्रोजन और आर्गन को डालकर रखा गया है कि आप लोग यहाँ पर बैठ के रहो। ठीक है, तो यही कारण है कि बल्ब क्या होता है, अंदर से भले ही हीट प्रोड्यूस करता है लेकिन वो जलता नहीं है। वहीं अगर उसको आप फोड़ दो, आग लग जाएगा। ठीक है, एक और यूजेज है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, जो कि बहुत ही कॉमन है, और वो किसका यूज है? इलेक्ट्रिक फ्यूज का। किसका? इलेक्ट्रिक फ्यूज का। ठीक है, देखा है आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्यूज? नहीं देखा तो फिर देख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है, जो कि क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को डैमेज्ड होने से प्रिवेंट करता है। क्या करता है? कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को खराब होने से बचाता है। ठीक है, एग्जाम्स में आता है तो आप लिखेंगे क्या, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट विथ हाई रेजिस्टिविटी दैट प्रिवेंट्स द अप्लाई प्रिवेंट्स द डिवाइसेस और अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड। एक
लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर होता है, सिंपली एक छोटा सा, क्या बहुत ही छोटा होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, कोई बड़ा नहीं, ठीक है, एकदम छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो लेकिन रेजिस्टिविटी हाई होती है, ठीक है। सपोज एक इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें हम लोग, ठीक है, इसका पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इसका सपोज 1 किलोवाट है, ठीक है, और इसमें वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है कि ना 220 वोल्ट का, ठीक है, एक और टर्म आ गया ना इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, हम लोग इस इलेक्ट्रिक पावर को भी समझेंगे, फिलहाल समझो, तो 1 किलोवाट में ना होता है कितना, 1000 वाट होता है। अब हम लोगों को निकालना है कि इलेक्ट्रिक आयरन से करंट कितना पास करेगा, मतलब एम्पियर कितना होगा, तो आई इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 1000 को 220 वोल्ट से डिवाइड कर लिया हमने, कितना 4.54 एम्पियर, तो हमारे पास आ गया आई इक्वल्स टू 4.5 एम्पियर, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि अगर एक इलेक्ट्रिक आयरन में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज को कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करेंगे, तो लगभग 5 एम्पियर का फ्यूज लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर फिक्स करंट वोल्टेज में आकर फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, ठीक है, और टूटा, करंट का सप्लाई रुका, मतलब अंधेरा ही अंधेरा, ठीक है। तो अब से क्या करेंगे, और देखिए, और एक गलती और भी हम लोग करते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज फ्यूज हुआ, ठीक है, टूट गया वायर, कनेक्शन खत्म, मतलब करंट फ्लो रुक जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बस जाओ तुरंत मोटा सा वायर एकदम बांध देते हैं कि कोई फ्यूज ही ना। अब सोचिए इसका नुकसान क्या होता है कि 1 रुपए का फ्यूज है, ठीक है, और हम लोगों ने बांध दिया एकदम मोटा वायर फ्यूज में, ठीक है, अब ये फ्यूज नहीं, टूट ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, हीट हो रहा है, खुद तो हीट हो रहा है, अपने बगल वाले पड़ोसी जितने वायर हैं डिवाइसेस हैं उनका भी हीट कर रहा है, और एक बार आकर सीधे खत्म, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं, 1 रुपए के चलते 1000 रुपए का नुकसान, ठीक है। तो ये है कुछ कुछ एप्लीकेशंस है किसके, जूल्स हीटिंग के, जिसका कि जिसको कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। एक टर्म आपका आया अभी इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, समझते हैं, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, सिंपली इसको हम लोग पी से अगर डिनोट करें तो ये क्या होता है, W अपॉन टी, दैट मींस रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, और फिर सिंपली ये हम लोग कह सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा क्या है, W इज इक्वल टू होता है भी क्यू अपॉन टी, क्यू को हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, आई टी बाय टी, ये कैंसिल, यहाँ से आया हम लोगों का P का वैल्यू वी आई, ठीक है, अब वी इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, आई आर लिख ले, आई इंटू आर इंटू आई, तो ये कितना हो गया, आई स्क्वायर आर, अगर सपोज आई के लिए ही हम लोग चेंज कर लें, क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर, तो यहाँ पर हो गया वी इंटू वी अपॉन आर, दैट मीन्स वी स्क्वायर बाय आर, ये सारा एक्सप्रेशन है पावर का, ठीक है। डिफिनेशन सिंपली क्या होता है, इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज consumed in a circuit
ठीक है, कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड होता है। एक नया टर्म हम लोगों के पास आ गया क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इसको भी हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट यूनिट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर पी इज इक्वल टू वी आई वोल्ट, करंट का क्या होता है एम्पियर, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस वी का क्या होता है वोल्ट, इतना यानी कि एम्पियर वोल्ट यूनिट हो गया। इसी को बोलने में ठीक नहीं लगता, मुश्किल होता है, तो इसको हम लोग सिंपली वाट भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके बड़े यूनिट की बात करेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलता है 1 किलोवाट, ये होता है 10^3 वाट के इक्वल्स टू, डेट मीन्स 1000 वाट। 1 मेगावाट की बात करेंगे तो ये होता है 10^6 वाट, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक पावर, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कोई भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और कहेंगे क्या कि ये क्या होता है 1 HP, हम लोगों ने पढ़ा है कितना होता है 746 वाट। तो एक्चुअली ये क्या होता है ना, HP स्टैंड्स फॉर हॉर्स पावर, और ये क्या होता है, हॉर्स पावर एजेंट होता है किसका, पावर का। और कोई भी अगर हम लोग इंजन की बात करेंगे, इंजन की बात करें मतलब जिसमें भी इंजन हो, इंजन के पावर को HP में ही क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पावर का। एक टर्म आया था हम लोगों का, वो था इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफाइन करने से पहले हम लोग जानते हैं क्या कि 1 वाट क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने पढ़ा क्या कि P इज इक्वल टू होता है V × I। वाट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है। तो ये 1 वाट कब होगा, जब ये दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी 1 वाट जब होगा तब, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई भी एक सोर्स से पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और आई मतलब अमाउंट ऑफ करंट हो वो 1 एम्पियर, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि पावर कंज्यूम्ड बाय द सोर्स इज सेट टू बी 1 वाट, ठीक है। तो क्या डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोज थ्रू अ सर्किट अंडर द PD stands for potential difference, under the potential difference of 1 volt, then power consumed by the source is said to be 1 watt, ठीक है। जैसे आप समझते हैं, जितना आसानी से याद कर सकते हैं वैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो किसी सोर्स का और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे, तो हम लोग कहेंगे पावर कंज्यूम्ड कितना हुआ, 1 वाट का, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आखिर इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है। तो समझने से पहले एक चलिए कहानी शुरू कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक बल्ब है, मानना क्या बल्ब है ही, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सर्किट में फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करके कौन रख रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी। इसके लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। ये वर्क कर रहा है तभी तो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू
मेंटेन द फ्लो ऑफ करेंट इन अ सर्किट, ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करेंट इन अ सर्किट। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि भी होता है वो होता है W अपॉन क्यू, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हुआ, ये W का वैल्यू, दैट मीन्स W इक्वल्स टू भी इंटू क्यू। इसी को हम लोग आगे अगर फर्दर बढ़ाएंगे तो ये क्या होता है, क्यू का वैल्यू आई टी, यानी कि भी आई टी, ठीक है, W इक्वल्स टू भी आई टी। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये वही इलेक्ट्रिक एनर्जी है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं, ठीक है। बिजली बिल हम लोग एनर्जी कंज्यूम यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए ही पे करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि वी आई क्या होता है, पी, और ये है टाइम टी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया हम लोगों का पी इंटू टी। ये डब्ल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हम लोग कह सकते हैं क्या, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ अ डिवाइस एंड टाइम अप टू विच करंट फ्लोज, ठीक है। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम अप टू विच करेंट फ्लोज इज कॉल्ड फ्लोज गिव्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। तो हम लोगों को मिल गया क्या कि W इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड अगर पूछे तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छे से समझेंगे। अब इसके इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड की यूनिट अब की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पावर समझ लीजिए किलोवाट, और टाइम का आवर, ठीक है। हम लोग किलोवाट आवर से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड को मेजर करते हैं। आप कहेंगे क्या कि पावर का यूनिट होता है वाट, तो फिर यहाँ पर किलोवाट क्यों है। तो यहाँ हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड की बात करते हैं तो वो बड़ा वैल्यू होता है, किलोवाट आवर में होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन किलोवाट आवर, इसी को हम लोग वन यूनिट से भी डिनोट करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं क्या कि हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है उसी से तो हम लोगों का क्या चार्ज निकलता है, चार्ज मतलब हम लोगों को कितना पे करना है वो पता करते हैं। तो आखिर वो उसका प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि 1 किलो वाट आवर या सिंपली 1 यूनिट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए कि ये जो 1 किलो वाट क्या हुआ, पावर है किसी एक डिवाइस का, और आवर क्या है, एक घंटा, ठीक है। और किलो वाट घंटा क्या होता है, ये होता है किसको, एनर्जी कंज्यूम्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, व्हेन अ डिवाइस ऑफ पावर 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर देन द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज
सेड टू बी 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये तो डिफिनेशन हो गया कि 1 किलोवाट आवर किसको कहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसी को अगर हम लोग एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 किलोवाट आवर को में कितना जूल होता है ये फाइंड करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपली देखिए 1 किलोवाट दैट मींस 1000 वाट। ठीक है, आवर का यूनिट क्या होता है, सॉरी यूनिट नहीं, 1 आवर में कितना 60 मिनट होता है। ठीक है, सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से और मल्टीप्लाई, तो इस क्या हो गया, ये 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो गया, और आवर्स में कितना हो गया, इतना सेकंड हो गया। ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 × 10⁵, ये क्या आ रहा है, जूल में आंसर आ रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3.6 × 10⁶ जूल होता है, कितना, 1 किलोवाट आवर में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या कि जो हम लोग पावर कंज्यूम्ड करते हैं ना उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, मतलब अब हम लोग सीखेंगे बिजली बिल निकालना, कोई बेवकूफ ना बना सके इसलिए जरूरी है जानना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सपोज ये एक इलेक्ट्रिक मीटर है। ठीक है, नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, मान लीजिए कि ये हम लोग के घर में लगा हुआ एक इलेक्ट्रिक मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीटर रीडिंग करते हैं ना, तो क्या करते हैं, पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड ये हम लोग फाइंड करते हैं कितना हुआ। ठीक है, जितना निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पावर कंज्यूम्ड को किलो वाट में हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए किलो वाट में करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो पावर कंज्यूम्ड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले पावर कंज्यूम्ड को पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलो वाट आवर में। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने से, डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, उसके बाद कितने समय तक यूज हुआ है वो टाइम, और फिर एक यूनिट में कितना चार्ज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट से। ठीक है, मतलब सिंपली हम लोग समझ ले तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, इसके लिए फॉर्मूला आ जाता है हम लोग के पास, पावर, ठीक है, इनटू कितने समय तक यूज किया, और ये पावर को हम लोगों को किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा, दैट मींस 1000 से डिवाइड करेंगे, और कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कितना है, वो 2 रुपया पर यूनिट है, 3 रुपया पर यूनिट है, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कि कैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड निकालते हैं। ठीक है, एक टर्म यूज होता है पावर रेटिंग। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं अब कि पावर रेटिंग क्या होता है। पावर रेटिंग, पहले इमेजिन कीजिए सभी के घरों में बल्ब होगा। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से लिखा मिलता है, 220 वोल्ट 100 वाट। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर रेटिंग। ठीक है, मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि पावर रेटिंग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज और पावर कंज्यूम्ड को एक साथ हम लोगों ने लिख लिया तो उसको हम लोग पावर रेटिंग कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि
अगर इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और एनी अप्लायंसेस इज द पावर कंज्यूम्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. मतलब चलो लिखिए लो, पावर रेटिंग ऑफ एनी डिवाइसेस इज द पावर कंज्यूम्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. इसको समझना अच्छे से, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है? पावर कंज्यूम्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हुआ कि ये जो 100 वाट है, 220 वोल्ट और 100 वाट का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 जूल पर सेकंड पावर कंज्यूम्ड हो रहा है किस, जब 220 वोल्ट का सोर्स उससे कनेक्टेड है तब, ठीक है? स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश रूल को फॉलो करते हैं. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और वो अपने बहुत सारे रूल लेकर, रूल एंड रेगुलेशन हम लोगों को फ्री में गिफ्ट करके गए, ठीक है? तो उन्होंने सेट कर दिया स्टैंडर्ड कंडीशन 220 वोल्ट को, ठीक है? यूएसए में ये होता है कितना, 110 वोल्ट. लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या मिलता है, वोल्टेज बहुत ही कम मिलता है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, ठीक है? देखिए, हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है क्या, P इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाय आर. वी स्क्वायर बाय आर मतलब P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होता है स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है? तो ये जो 220 वोल्ट है, छोटा सा बात है, 220 वोल्ट 100 वाट का हम लोगों ने एक बल्ब लिया है, ठीक है? यहां से अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे किसका, बल्ब का, तो क्या होगा, वी स्क्वायर बाय पी. वोल्टेज कितना है हम लोगों के पास, 220 वोल्ट इसका स्क्वायर, और पावर कितना है, 100 वाट का, ठीक है? तो इसका रेजिस्टेंस जो 22 का स्क्वायर कितना, 484, और ये 00, पावर 100 वाट. यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब ये आ गया हम लोग का 484 ओम, ठीक है? ये इसलिए बताया गया क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है पावर रेटिंग वाला, उसमें कभी कभी आपसे पूछ देता है, पूछ ही देता है कि सपोज 220 वोल्ट पावर रेटिंग दिया हुआ है 110 वाट, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा. तो डायरेक्ट हम लोग वी स्क्वायर बाय पी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये था हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर. हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ कवर कर लिया, ठीक है? फिर भी अगर कुछ छूट गया हो बताना, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एक प्रॉपर एक वीडियो बना दिया जाएगा. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें. थैंक यू.